से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आपके फेसबुक के अकाउंट पर अगर कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी इशू आ जाता है तो उसे आप कैसे परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं, उसे कैसे रिमूव करेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को फुल वॉच करिए। बिना इसके भी अच्छे तो लाइक करना, शेयर करना, दूसरे को चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, किसी अटैक रिलेटेड किसी क्वेश्चन से परेशान तो दिए इस चैनल पे ध्यान, अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल ऐसे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे होता है क्या कि जब तक हम कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी को रिमूव नहीं करेंगे, जब तक हमारा फेसबुक अकाउंट जो इन स्टीमेट से मोनेटाइज नहीं होगा, तो यहाँ से हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों रिमूव करना होगा, तो चलिए जान लेते हैं उसे कैसे करेंगे। बात करेंगे कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी इशू के बारे में, तो इसके लिए फेसबुक को यहाँ पे चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे किसी अनदर पर्सन का, जैसे कोई भी वीडियोज है यूट्यूब से हमने कॉपी कर लिया यानी उठा लिया और डाल दिया अपने फेसबुक पर, तो इस सिचुएशन में भी आपको जो कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी इशू देखने को मिल जाता है, या किसी की वीडियोज वगैरह आप जो है अपलोड कर देते हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरा फेसबुक अकाउंट है, इस पर कई बार जो है कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी इशू आया और मैंने उसे रिमूव किया, तो अभी फिलहाल में फिर से आ चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे दोस्तों इंस्ट्रीमेंट के ऊपर जैसे ही टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी जो है आ चुका है, नहीं ग्रीन टिक हट गया है। अब इसे ग्रीन करना है, उसके लिए दोस्तों क्या करना है, बस आपका अगर हम बात करें कंटेंट की, तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना कंटेंट भी दिखा देता हूँ। ये मेरा सब कुछ ओरिजिनल कंटेंट है, अपना ओरिजिनल वीडियोस है दोस्तों, ये सारे वीडियोस मेरे हैं। एंड यहाँ पर रील्स की बात करें तो यहाँ पे रील्स भी सारे मेरे ओरिजिनल रील्स हैं, फिर भी ये वायलेशन कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी का आ चुका है। तो इसे आप कैसे रिमूव करेंगे, इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना, समझना होगा, देखना होगा, तभी आप रिसोल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और चाहते हैं आप इंस्टीम से पैसा कमाना, तो इस प्रॉब्लम को आपको रिसोल्व करना ही होगा, वरना आपका जो है फेसबुक पेज या प्रोफाइल इंस्टीम ऐड से मोनेटाइज नहीं होगा और ना ही आप इससे एक रुपया कमा पाएंगे। तो इसे हटाने के लिए तो सिंपल सा तरीका, बस आपको रेगुलरली लाइव करना है। लाइव करेंगे बिल्कुल फेस को रोटेट करके, यानी दाएं बाएं घुमा फिरा के सब तरह से आपको लाइव करना है, और लाइव कम से कम 10 मिनट तक करेंगे एवरी डे। लाइव करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब मेरे इस प्रोफाइल पर पहले आया होता वायलेशन, उसको मैंने ऐसे ही रिसोल्व किया था लाइव करके, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपको सारे कंटेंट को हटाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज देखा जिसमें बताया जा रहा है कि आपको सारे कंटेंट को रिमूव करना होगा यानी डिलीट करना होगा, चाहे आपका ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा सब कुछ ओरिजिनल था और मैंने बिल्कुल भी एक भी कंटेंट को रिमूव नहीं किया, बस अपना लाइव करता रहा और अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करता रहा, मैंने बीच में बंद भी नहीं किया। कई लोग क्या होते हैं कि घबरा जाते हैं कि उनको जब ये वायलेशन आ जाता है तो वो तो फेसबुक पर वीडियोज वगैरह डालना बंद कर देते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपको एक्टिव रहना है, वीडियो अपलोड करते रहना है अपना ओरिजिनल कंटेंट के साथ, और ये प्रॉब्लम आपका रिसोल्व हो जाएगा आसानी से। फिर भी नहीं होता है तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए दोस्तों प्रोफाइल पे टाइप करेंगे एंड हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम के ऊपर टाइप करके यहाँ से इसे रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी जो है आपका उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंक्लूड के ऊपर टाइप करके फेसबुक पेज या प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे पेज को ऐड कर दिया। अपलोड ए फ्रॉम फोन, आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ, एंड डिस्क्राइब द इशू में आप जो है टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेरे अकाउंट पे जो है कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी इशू आ चुका है, और जबकि मैंने अपना ओरिजिनल कंटेंट रखा हूँ, तो प्लीज़ इसे रिसोल्व करें अगर ये पॉसिबल है। तो इसको आप इंग्लिश में टाइप करके यहाँ से आप रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फेसबुक टीम इसका रिव्यू करेगा, और अगर आपका सब कुछ सही रहता है, ओरिजिनल कॉन्टेंट रहता है, कोई आप जो है फेसबुक पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किए हुए, इसका जो पॉलिसी को फॉलो किए हुए हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम आसानी से रिसोल्व कर दिया, बस आपको थोड़े दिन तक वेट करना होगा। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुके होगी कि
फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना है, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।